हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल्स का सेकंड पीरियड ना आना, यानी कि पहला पीरियड तो उनको आ गया है 13 साल में 12 साल में या फिर 14 साल में, लेकिन उनको सेकंड पीरियड नहीं आ रहा है। 2-3 महीने हो गए हैं। क्या करें हम, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई परेशानी वाली बात है, हमको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, इस तरह के काफी ज्यादा आपके सवाल आते हैं। तो अर्ली मेनार्के की बात करें तो हम 8-9 साल से भी आपको शुरू हो जाता है, जिसे हम अर्ली मेनार्के कहते हैं, जिसमें जो गर्ल है उसको 8-9 साल से भी पीरियड शुरू हो सकते हैं। पहले ऐसे होता था 13-14 साल में शुरू होते थे, लेकिन अब खान पान इतना चेंज हो गया, लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, जैसे पीरियड आपकी काफी जल्दी भी आ जाती है कुछ फीमेल को, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो इसके अलावा 14-15 साल तक तो आ ही जाते हैं, लेकिन 16 साल तक भी नहीं आ रहे हैं आपके पीरियड, 16 साल कंप्लीट हो गए हैं आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो तब उस केस में जरूर एक बार आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी ही नहीं बनी होती है गर्भावस्था से ही, यानी कि पेट से ही। दूसरा क्या होता है कि जो हाइमन झिल्ली होती है, जिसे खुलना होता है ताकि जो पीरियड का ब्लड है वो बाहर आ सके, तो कुछ केस में जो गर्ल्स हैं उनके साथ ही होता है कि वह झिल्ली खुली ही नहीं होती है, यानी कि प्रॉपर ओपनिंग नहीं हुई होती है, जिससे कि आपका जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाता, आपको पीरियड नहीं आ रहे होते हैं। तो दोनों ही केस में, जो इस तरह का केस होता है इसमें तो आपकी सर्जरी हो जाती है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं में बच्चेदानी ही नहीं बनी है तो उनको तो कभी पीरियड आते ही नहीं है, तो इस केस में आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन 16 साल तक पीरियड आ जाने चाहिए, इससे लेट होना नॉर्मल नहीं है। तो आपको जैसे मान के चलते हैं 14-15 साल में आपको पीरियड आ गए, अब फर्स्ट पीरियड आपको आ गया, दूसरा पीरियड आपको नहीं आ रहा है, 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए, तो इस केस में आपको ये करना है, आपको वेट करना है, तसल्ली करनी है, क्योंकि जब आपका पीरियड आना शुरू होता है तो बॉडी को भी समय लग जाता है एडजस्ट होने में, यानी कि दूसरा पीरियड होने में, एक रेगुलरिटीज लाने में भी टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो 2-3 महीने तक भी नहीं आ रहा है पहला पीरियड आने के बाद, तो ये नॉर्मल है, काफी नॉर्मल है, काफी फीमेल्स के साथ इस तरह का होता है, या फिर किसी फीमेल के साथ ऐसा भी होता है कि उनको 2 पीरियड सही से आए 3 महीने, उसके बाद स्किप हो गए 2-3 पीरियड, उनको स्किप हो गए 2-3 महीने, तो ये भी बहुत ही कॉमन है। स्टार्टिंग के 1-2 साल में इस तरीके का हो सकता है, या फिर कुछ फीमेल को तो इस तरीके का भी होता है कि उनको 1 साल प्रॉपर पीरियड आए, दूसरे साल उनको पूरे साल भर पीरियड नहीं आए, या फिर 6 महीने उनको पीरियड नहीं आए, इस तरह का केस भी आपके साथ हो सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है स्टार्टिंग के टाइम पे, जब आपको पीरियड आ रहा है उसके 1-2 साल, फर्स्ट के 1-2 साल इस तरह की इरेगुलरिटीज आपको दिख सकती हैं, कम ब्लीडिंग होना, ठीक है। तो इस तरह की, क्योंकि बॉडी एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगाती है, हार्मोन थोड़ा सेटल होते हैं एक तरीके से, तो ये बहुत ही कॉमन है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डाइट सही लेनी है, एक्सरसाइज सही करनी है, जिससे कि सब कुछ नॉर्मल हो, और टेंशन नहीं लेना है। देखिए, टेंशन जब आप लेते हैं तो काफी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ऐसे हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और आपको पीरियड आने में और भी देरी हो जाती है। तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए, एक्सरसाइज करिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी हम जो भी हेल्पफुल वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। कोई सवाल है या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करते हैं उस पे वीडियो बनाने की, या फिर आपके सवाल का जवाब देने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।